सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो बोन आती है, जॉइंट आता है दो बोन्स के मिलने से, और फिर उसके इर्द गिर्द जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स, वो भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको, ये जो पहला लेक्चर है ना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, आज आपको दो लेक्चर्स करवाऊंगा मैं। जो पहला लेक्चर है दैट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, जो दूसरा लेक्चर है उसके अंदर हम प्रॉपर पैथोलॉजी पढ़ेंगे। सो इसलिए मैं आपको दूसरे लेक्चर तक लेके जाऊंगा, ज़्यादा मेरा फोकस ये है। इसको हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे और एक दफ़ा इसको स्क्रीन करेंगे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी समझने वाली हैं। अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट वगैरह सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, बाकी इससे आप फेमिलियर हैं, अपनी एनाटॉमी वगैरह पढ़ी होगी और इसके अंदर सारा कुछ आपने इसमें देखा होगा। अच्छा, बोन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग और रीमॉडलिंग का, मतलब कंटिन्यूसली बोन जो है वो रिजॉल्व हो रही होती है, बोन रिप्लेस हो रही होती है, नई बोन आके आ रही होती है वहाँ पे, वो कैसे आ रही होती है, कैसे रीमॉडलिंग हो रही होती है, उसके लिए सेल्स ऑफ बोन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स आ जाते हैं। प्रोजनी का मतलब क्या होता है, प्रोजनी का मतलब होता है, प्रोजनी का मतलब क्या होता है, प्रोजनी का मतलब होता है एक तरह से के काइंड ऑफ अ जनरेशन दैट कम्स फ्रॉम समवन, ठीक है, प्रोजनी उसे कहते हैं। सो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स वो हैं जो स्टेम सेल्स हैं, यानी कि जो और सेल्स बनाएंगे बोन के, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा से को स्टिमुलेट करके और बाकी सेल्स बनाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ सेल्स बना रहे होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस हमारा इस वक्त नहीं है क्योंकि उसका पैथोलॉजी में एज सच इतना डायरेक्ट रोल नहीं है, एक्सेप्ट एट सम प्लेसेस। तो हम पहले फ़िलहाल इन सारों के नाम देखेंगे कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं, लेकिन पहले हम सेल्स देख लेते हैं। सो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स हैं जिनसे बाकी और सेल्स बन रहे हैं, और कौन कौन से सेल्स बन रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स बन रहे हैं और ऑस्टियोसाइट्स बन रहे हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कौन से होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट पे जब पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन आके उसके ऊपर एक्ट करता है तो ब्लड से कैल्शियम निकालता है और उसको बोन में डाल देता है, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट एक तरह से बोन बना रहा होता है। ऑस्टियोसाइट वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जिसके इर्द गिर्द बोन मैट्रिक्स पूरी तरह आ जाए, इर्द गिर्द उसके बोन बन चुके हो, यानी कि बोन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है और बाकी जो मिनरल्स होते हैं बोन के वो होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट मैक्रोफेजेस की सेल टाइप्स में से है, और पैराथायरॉइड का जब इस पे, पैराथायरॉइड हार्मोन जब इस पे एक्ट करता है तो ये कैल्शियम बोन की निकाल के उसे ब्लड में डालता है, यानी कि ये बोन को बोन रिजॉर्प्शन में ये एक्ट कर रहा होता है। सो ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन खाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन बनाएगा, और ऑस्टियोसाइट जो है वो बोन है, ठीक है, और ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स इन सेल्स को बनाएंगे। अच्छा, अब कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं बोन्स के अंदर, एक तो ये है कि टाइप 1 कोलेजन 90% होती है, फिर सेल एडहीन प्रोटीन्स होती हैं जिसमें ऑस्टियोपोन्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, थ्रोम्बोस्पोन्टिन आ जाती हैं। ये जो आपने सेल जंक्शन की टाइप्स में हिस्टोलॉजी में पढ़ा होगा अपने थर्ड सेमेस्टर में, कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं जो सेल्स को आपस में मिला के रखती हैं, फिर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑस्टियोनेक्टिन, साइलो प्रोटीन होती हैं, फिर प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन मिनरलाइजेशन ऑस्टियोकैल्सिन, फिर एंजाइम्स होते हैं जो बोन से रिलेटेड होते हैं जैसे एल्कलाइन फॉस्फेटेज और कोलेजिनेज होता है, और इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स, यहाँ पे आगे इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फिर साइटोकाइंस और केमिकल्स होते हैं जो सिग्नल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इन सेल्स के बीच में, प्रोस्टाग्लैंडिंस, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, रैंक लाइगेंड वगैरह। फिर इसके अलावा और प्रोटीन्स होती हैं जो सीरम में होती हैं, माइक्रो ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर्स की बात होगी, ये सारी की सारी चीज़ें, इस तरह की प्रोटीन्स जो होती हैं वो बोन की स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में और बोन के अंदर सिग्नलिंग को क्या उसे कहते हैं, मेक श्योर करने के बोन के अंदर जो सिग्नलिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ये केमिकल्स और ये प्रोटीन्स के अंदर यूज़ होती हैं। इसके अलावा बोन्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक पार्ट है, मिनरल जो है वो इनऑर्गेनिक पार्ट है, उसके अंदर हाइड्रोक्सीएपेटाइट मिनरल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। फिर बोन किस तरह की होती है, एक स्ट्रॉ कॉम्पैक्ट बोन होती है, स्पॉन्जी बोन होती है, आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी में शायद पढ़ा होगा कि कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन
कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन डेंस होती है और बाहर की तरफ होती है, कॉर्टिकल होती है, स्पॉन्जी बोन थोड़ी अंदर को होती है, और इसको कैंसलस या मेम्ब्रेनस बोन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर एक वोवन और लेमेलर बोन होती है, ठीक है। ये इतना ख़ास अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स जो हैं वो इवेंचुअली ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ये वही सेल्स के बारे में बात हो रही है जो भी आपने पीछे स्लाइड में पढ़े थे यहाँ पे। सो ऑस्टियोब्लास्ट बना रहे हैं, एक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो फिर इवेंचुअली जब वो कैल्शियम ब्लड से लेके बोन में डालते हैं तो वो ये जो ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं जिसके इर्द गिर्द बोनी मैट्रिक्स होता है। और कुछ ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं उनके ऊपर जब हार्मोनल या मुख्तलिफ केमिकल्स एक्ट करते हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट बन जाते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन से कैल्शियम निकाल के मतलब बोन को तोड़ा होता है, और जब तोड़ा होता है तो उससे कैल्शियम ब्लड में जा रही होती है। तो कुछ जो उसमें से बोन के टूटने से जो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बाहर निकलते हैं वो फिर आगे इवेंचुअली ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स बनाते हैं। तो एक तरह से ये खुद ब खुद साइकिल पूरा बोन के टूटने का और बोन के दोबारा जुड़ने का हर वक्त चलता रहता है। कैल्शियम का बैलेंस बोन में मेंटेन करने के लिए सॉरी बॉडी में मेंटेन करने के लिए ये सारे के सारे सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो बोन मॉडलिंग और रीमॉडलिंग का आपको थोड़ा सा समझ आ गई होगी। ब्लास्ट्स क्या करें और क्लास्ट्स क्या कर रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स क्या कर रहे हैं और ऑस्टियोक्लास्ट्स क्या कर रहे हैं, बेटा इसको भूलना मत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ है। इन सारी बातों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट कर क्या रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, ठीक है, उसके ऊपर ये आपको बताओ, और वो इवेंचुअली करता क्या है वो आपको बताओ। ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर कैल्सिटोनिन एक्ट करेगा और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो कैल्शियम बोन में लेके जाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर पैराथायरॉइड हार्मोन एक्ट करेगा और वो कैल्शियम बोन से वापस ब्लड में डाल देगा, ठीक है। सो ये एक पिक्चर है जिससे आपको उसके फंक्शंस पता चल जाएंगे, ठीक है। आपको मसल्स वगैरह का तो पता होगा, या आपने सारे का सारा कुछ पढ़ा हुआ है अपनी एनाटॉमी में, इसमें कोई नई चीज़ एज सच नहीं है। अच्छा, इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी के क्या क्या होती है फिज़िकल एक्टिविटी, और फिज़िकल एक्टिविटी से किस तरह की आपको इम्पेक्ट होता है बोन्स के ऊपर और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर, तो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये बेसिकली ज़्यादा जो अब यहाँ पे जो थोड़ा सा टच आ रहा है या आगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का आ रहा है। सो अगर आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है थोड़ी सी तो आपको उसके बारे में आइडिया होगा, और वैसे जनरल फिजियोलॉजी भी है, बट जस्ट अ क्विक गो थ्रू। तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ टाइप्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेचिंग या जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइज होती हैं। फिर उसके साथ क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन होती है हर एक्सरसाइज के अंदर, और मसल्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और मसल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज से कैल्शियम स्टोर इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, जब स्ट्रेच होते हैं तो मोबिलिटी ज़्यादा होती है, आपकी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और आसानी से होगी। हाइलिन कार्टिलेज थोड़ी थिक होती है और साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आपकी बॉडी को ज़्यादा एटीपी क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ब्रीदिंग करने से और तेज़ तेज़ हार्ट के पंप होने से ज़्यादा ब्लड जो है वो मसल्स में आना शुरू हो जाता है। लेकिन बजाय एटीपी बनने के वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है और डिमांड है उसमें मुताबिकत नहीं रहती, ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, बिकॉज द बॉडी इज़ वर्किंग रियली हार्ड, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन कम होती है तो उसकी वजह से फिर लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, और इवेंचुअली उससे थोड़ी सी पेन भी होती है, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ फ्यूल्स बर्न होते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज, ग्लूकोज बर्न होता है, फैटी एसिड इस्तेमाल होते हैं, इवन अमीनो एसिड इस्तेमाल होते हैं एक्सरसाइजिंग मसल्स के अंदर, और फिर ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी देर तक एक्सरसाइज हो रही है, उसकी वजह से फिर आप को पता चल सकता है कि आया ग्लूकोज सिर्फ चाहिए होगी या फैटी एसिड चाहिए होंगे या इवन अमीनो एसिड चाहिए होंगे, ठीक है। सो ये दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा एजिंग की कुछ
فیکٹرز ہوتے ہیں, کچھ چینجز آ جاتی ہیں ایجنگ کے تھرو. مثال کے طور پہ مسلس کا سائز اور مسل کا کنٹریکشن فورس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اس کو سارکوپینیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب مسل ہلکا ہلکا ویسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی اکثر ریزن گروتھ ہارمون کی کم پروڈکشن بھی ہے, لیکن یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کیا گروتھ ہارمون کی کم پروڈکشن ہے یا یوز نہیں کر رہے تو اس وجہ سے مسل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اور جب سارکوپینیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تھکن بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگ گرتے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور ایونچولی کئی دفعہ ریسپریٹری مسلز بھی امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سارکوپینیا کی وجہ سے. تو پھر بریدنگ اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی جوانی میں ہو رہی ہوتی ہے, بیکاز بریدنگ مسلز چاہیے ہوتے ہیں. اور جی آئی ٹریک پہ جب مسلز سارکوپینیا امپیکٹ کرنا شروع کرتا ہے تو کانسٹیپیشن وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بون ماس سلولی سلولی لوز کرنا شروع کر دیتا ہے, زیادہ بون ریزارپشن ہونے شروع ہو جاتی ہے, بون فارمیشن کم ہوتی ہے 30s کے آس پاس. پھر اس کے بعد کارٹلیج کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, جو ہائیڈریشن ہوتی ہے کارٹلیج کی, وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو انٹرویٹیبل ڈسک کے آس پاس بھی جو ہائیڈریشن اسٹیٹس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اندر ہائیڈریشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کی کمپریسیبلٹی اور فلیکسیبلٹی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے, اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہائٹ بھی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اتنا جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ نہیں رہتی تو انٹرویٹیبل ڈسک تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ مختلف رسپانسز ہیں آف مسکولوسکیلیٹل سسٹم ٹو اسٹریس اینڈ ٹراما. اگر آپ مسکولوسکیلیٹل سسٹم کو کسی اس کے اوپر کوئی ٹراما ہو یا کوئی اسٹریس ہو تو اس کی وجہ سے مسکولوسکیلیٹل سسٹم بڑی جلدی امپیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. مطلب کیا ہے اس بات کا کہ اگر کرونک اسٹریس ہو, بہت بندہ پریشان ہو, کبھی آپ نے اپنے آپ کو انگزائٹی میں دیکھا ہوگا کہ آپ کی مسل ٹون زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مسل جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کنٹریکٹڈ سے رہتے ہیں, اس کی یو نو باڈی جو ہے وہ ہر وقت آن کیا اسے کہتے ہیں, آن گارڈ ہوتی ہے, کچھ ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے, انگزائٹی میں اسپیشلی. تو وہ ایک خاص قسم کا اسٹریس ہے, بہت دیر تک ایسے رہے تو پھر مسل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے ٹینشن ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے اور مائگرین ہیڈ ایک وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں سر کے اسکیلپ کے اوپر کے جو مسلز ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کانٹریکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو درد شروع کروا دیتے ہیں. پھر آپ کو پتا ہوگا کہ مختلف انگزائٹی کی مختلف ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں. دیٹس بیانڈ دا کانسیپٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو گیو یو ایٹ دس پوائنٹ, اس کا ایسے ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے, لیکن جس کچھ چیزوں کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے مسکولوسکیلیٹل سسٹم پہ کیا فرق پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ ٹراما کی وجہ سے اسپورٹس میں سب سے زیادہ ٹراما ہوتا ہے, مسل انجری سب سے زیادہ اسپورٹس میں ہوتی ہیں, اور اس میں آپ آبویسلی شروع میں تو آپ کو تھوڑی دیر کیا اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو مطلب ریسٹ کروانا ہوتا ہے اور وہ فائدہ مند ہوتا ہے, لیکن اگر بہت دیر تک ریسٹ کرتے رہے تو آبویسلی پھر مسل جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا اور ایٹروفی ہونی شروع ہو جائے گی. سو لیکن شروع کا ریسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر کسی مسل کا ٹیئر ہو رہا ہو اور کیا اسے کہتے ہیں, اگر آپ نے اس کو اپروپریٹ ٹائم نہیں دیا ریسٹ کرنے کا, تو وہ دوبارہ ٹیئر بھی ہو سکتا ہے اور پھر وہاں پہ زیادہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اور پھر اس کی اسٹرینتھ جو ہے مسل کی وہ کبھی اتنی نہیں ہو سکتی جتنی پہلے تھی. سو اس لیے آپ کو میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ پراپر ریسٹ دیا جائے, پراپر باڈی امبولائز کی جائے تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ وہاں پہ کنیکٹو ٹشو آئے اور جون سی بھی ہیلنگ پروسیس ہونا ہے سارے کا سارا وہ وہاں پہ ہو اور مسل اسٹرینتھ واپس جتنی ریگین ہو سکتی ہے ہوئے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے کرکٹرز ماشاء اللہ پتہ نہیں کون سے ان کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, کون سے ان کے کلینکل اسٹاف ہے, ہر تھوڑی دیر بعد انجرڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی انجری ٹھیک ہی نہیں ہوتی. وہ اس لیے کیونکہ ان کو پراپر گائڈ لائنز نہیں مل رہی ہوتی, اور وہ انجری سے اکثر لوگ بیچارے اکثر لوگوں کا کیریئر خراب ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور وہ واپس نہیں آ سکتے اس انجری سے. اینی ویز لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ٹائپس آف ڈیزیزز, اس میں سے کچھ ٹائپس ہم پڑھیں گے ابھی اور باقی اگلے لیکچر میں جو کہ ابھی ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اب بون ڈیزیز کس طرح کے ہوتے ہیں, مختلف طرح کے بون ڈیزیز ہو سکتے ہیں. نیچے سے شروع کر رہا ہوں میں, ٹیومر ہو سکتا ہے بون, فریکچر ہو سکتا ہے, انفیکشن ہو سکتا ہے بونز میں. پھر اس کے علاوہ منرل منرلائزیشن کے ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں, وہ ہائپر پیراتھائرائڈزم ہو سکتا ہے, رینل آسٹیوڈسٹرافی ہوتی ہے جب کرونک رینل فیلئر ہوتا ہے. رینل سسٹم میں کرونک رینل فیلئر ہم نے پڑھا تھا, اس کے اندر ایک امپیکٹ بونس کے اوپر بھی ہو رہا تھا. پھر ریکٹس اینڈ آسٹیومیلیشیا, یہ سارے کے سارے منرل کے ڈیفیکٹس ہیں, منرلائزیشن آف بون کے. پھر آسٹیوکلاسٹ کی پرابلم کی وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے, اسے پیجٹس ڈیزیز کہتے ہیں یا آسٹائٹس ڈیفارمنس کہتے ہیں. پھر بون ماس اگر کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے آسٹیوپوروسس ہو جاتا ہے,
अगर मेटाबॉलिक पाथवे जो बोन के अंदर है, जिसके अंदर एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, आयन चैनल्स यूज हो रही हैं, ट्रांसपोर्टर्स यूज हो रही हैं, बायोकेमिकल पाथवेज जो हैं, अगर वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए तो ऑस्टियोपेट्रोसिस एक बीमारी होती है जो हो जाती है। फिर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो उनकी फोल्डिंग और डिग्रेडेशन होनी होती है, वो अगर डिफेक्टिव हो जाए तो उसकी वजह से एक बीमारी, एक स्पेशल बायोकेमिकल टाइप्स की बीमारी होती है जिसे म्यूको पॉलीसेक्रिडोसिस कहते हैं। फिर कॉलेजन या एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन में अगर डिफेक्ट हो तो टाइप 1 कॉलेजन डिजीज होता है जिसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं, या टाइप 2, 10, 11 कॉलेजन डिजीज होते हैं। इसके अलावा हार्मोन और सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म में पहले से मसला हो जाए तो बोन ग्रोथ सही तरह से नहीं होती, उसमें मुख्तलिफ डिजीज हैं, एकोंड्रोप्लेजिया एक है, थैनाटोफोरिया एक है। फिर उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में अगर डिफेक्ट्स हो जाएँ तो उसकी वजह से बोन ज़्यादा बन सकती है, कम बन सकती है, पॉलीडेक्टली और सिंडेक्टली और एब्सेंस ऑफ बोन भी उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले हम पहली टाइप को देखते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में अगर डिफेक्ट हो जाए तो पॉलीडेक्टली, सिंडेक्टली और ओलिगोडेक्टली। पॉलीडेक्टली क्या होती है कि एक एक्स्ट्रा उंगली आ रही है, सिंडेक्टली क्या हो रही है कि दोनों दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इनकम्प्लीट आधी जुड़ी हुई हैं, कम्प्लीट पूरी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और ओलिगोडेक्टली जिसमें एक उंगली कम है। तो ये बेसिकली ये किस चीज़ का इम्पैक्ट होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर हो रही होती हैं, अगर उस वक्त सही सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो रही हो, सही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ना आ रहे हो, प्रोटीन्स के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए, तो वो जो प्रॉपर सिग्नल्स नहीं जाते कि इतनी उंगली बननी है या यहाँ यहाँ से बननी शुरू होनी है या यूँ लिम्ब ने आगे जाके यू नो डिजिट्स बनाने हैं, तो उसकी वजह से फिर या डिजिट ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे या जुड़े रह जाएंगे, which are three different types of the disease I just mentioned. फिर इसके अलावा हार्मोन और सिग्नल ट्रांसडक्शन में ये और ये दोनों ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से प्रोटीन बनना शुरू होती है, ठीक है, तो ये इस दोनों के अंदर वो बीमारियाँ होती हैं इन दोनों टाइप्स में जो बचपन में हो जाती हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट के अंदर जब अभी बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस वक्त से बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। एकोंड्रोप्लेजिया ड्वार्फिज्म जिसके अंदर लिम्ब्स शॉर्ट होते हैं, कॉन्ड्रोप्लेजिया का मतलब होता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, एप्लेजिया का मतलब फॉर्मेशन ना होना, तो कार्टिलेज नहीं बनती, जब कार्टिलेज नहीं बनती तो फिर स्केलेटन सही तरह से नहीं बनता। और कॉन्ड्रोप्लेजिया एक तो मतलब तो इसका ये है कि कार्टिलेज फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन कॉन्ड्रोप्लेजिया एग्जैक्टली फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज में मसला नहीं होता, कार्टिलेज बनने के बाद उसकी जो बोन में कन्वर्जन है उसमें मसला हो रहा होता है और उसको ऑसिफिकेशन कहते हैं। सो जब वो बोन नहीं बनती तो फिर जो जो बोन ग्रोथ है या जो ऑसिफिकेशन है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन वहाँ पे नहीं होती, तो उसकी वजह से ड्वार्फ रह जाता है और वो फिर उसके लिम्स बड़े नहीं होते। मिसाल के तौर पे ये आपको नज़र आ रहा है एकोंड्रोप्लेजिया की वजह से बच्चा जो है बड़ा नहीं हो रहा, इसकी लेग्स थोड़ी सी बोर्ड होती हैं, हैंड्स के नॉर्मल होंगे, स्टैचर इसका छोटा होगा, मसल टोन इसकी कम होगी और आर्म्स और लेग्स इसकी छोटी छोटी होंगी। सेनाटोफोरिया जो है, there is thanatophoric dwarfism, ये एक और तरह के dwarfism है, इसमें rib cage बहुत छोटी रह जाती है और उस बहुत छोटे इसके अंदर limbs होते हैं और जो extra skin है, मतलब skin ने तो grow करना है, वो skin के folds जो हैं वो उसके ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं जहाँ जहाँ arms और legs ने बड़ा होना था, ठीक है, तो thanatophoric में rib cage का ज़्यादा मसला होता है। फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं यानी कि कॉलेजन वगैरह और अभी जो ऊपर प्रोटीन्स की इतनी बड़ी स्लाइड आपको दिखाई थी उसमें अगर डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाएं तो क्या कुछ होता है, अब ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक इस तरह का डिजीज़ है जिसमें कॉलेजन टाइप 1 कॉलेजन में डिफेक्ट होता है तो ब्लू स्क्लेरा नज़र आती है। जब टाइप 1 कॉलेजन है तो वो सिर्फ एक बोन्स में तो नहीं होती ना, वो बाकी जगह भी होती है, तो आईज की जो स्क्लेरा होती है वो ब्लूइश नज़र आती है, बोन इतनी ब्रिटल सी होती है, सॉफ्ट सी होती है कि वो फ़ौरन टूटती जाती है, बार बार टूटती जाती है, जब वो बार बार टूटती जाती है तो उसकी वजह से फोन फ्रैक्चर्स होते हैं और हियरिंग लॉस हो जाता है। आप अक्सर बोन डिजीजेज में देखोगे, अभी हम अगली स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे कि हियरिंग लॉस हो रहा है, बेटा वो हियरिंग लॉस क्यों हो रहा होता है, वो हियरिंग लॉस बेटा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि मिडल सॉरी इनर ईयर के अंदर, मिडल ईयर के अंदर मुख्तलिफ बोन्स होती हैं, उन बोन्स ने आपकी जो बाकी सारी ऑडियो वेव्स हैं जो आप सुन रहे हो, साउंड वेव्स हैं, वो सारी की सारी आगे पहुंचानी होती हैं और उनकी स्पेसिफिक मूवमेंट के थ्रू आगे फिर एनर्जी पहुंचती है। सो अगर वो स्पेसिफिक मूवमेंट ही सही तरह से नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, फिर माशाल्लाह से हियरिंग लॉस हो जाएगा क्योंकि ऑडिटरी मैकेनिज्म ख़राब होना शुरू हो गया। सो ये कंजेनिटल होता है, मतलब ये बीमारी जेनेटिक्स बेस्ड है और जो ऑटोसोमल डोमिनेंट इसकी जेनेटिक ट्रांसमिशन है
या आपने अगर जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो उसमें मुख्तलिफ आपको पता होगा कि किस तरह से जीन्स जो हैं वो आगे जाते हैं. ऑब्वियसली एफएससी में पढ़ा होगा ऑटोसोम डोमिनेंट रिसेसिव एंड ऑल दोस टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जिससे पता चला सकते हैं कि इसके बच्चों को कितनी होगी, इससे आगे के बच्चों को होगी. रिसेसिव से पता चल जाएगा कि सिर्फ एक मदर से जाएगी या फादर से भी जाएगी बीमारी वगैरह वगैरह, ये वो चीज़ें होती हैं, ठीक है. एनीवे, सो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज बेसिकली अ डिफेक्ट इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. सो ब्रिटल बोन डिजीज आप उसे कह सकते हैं. तो आप उसके अंदर बोइंग ऑफ नेक हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कर्वेचर जो है वो सही तरह से नहीं आ रहा, सही तरह से मेंटेन नहीं हो रहा. तो काइफोटिक स्पाइन हो रही है, स्क्लेरा जो है ये अगर आप देखें ये ब्लू सा हो रहा है, ठीक है. टीथ बहुत ब्रिटल से होते हैं, वो भी टूट जाते हैं. और फिर उसके अलावा बोन्स जो है वो डिफॉर्म्ड होती है. हियरिंग लॉस जो है वो शुरू होता है 20s और 30s तक जाके पहुँच के, तो आपको फिर तब जाके एक से पता चल रहा होता है. लेकिन स्क्लेरा आपकी शुरू में आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है. अब कोलेजन सिर्फ बोन्स में नहीं होती, तो और भी जगहों पे होती है. तो बाकी भी सिम्टम्स जो हैं उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं जो यहाँ के इस स्लाइड में नहीं दिखाए हुए. अब इसके अलावा एक और टाइप्स ऑफ डिजीज हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स की फोल्डिंग और डिग्रेडेशन के अंदर डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं. अब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है. ये अब आपने बायोकेमिस्ट्री में शायद अगर क्लिनिकल पार्ट किया हो बायोकेमिस्ट्री में तो आपने उस वक्त थोड़ा सा इसको देखा होगा. तो इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कुछ एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स, लाइसोसोम्स के अंदर वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं. यू नो उन बड़े मॉलिक्यूल्स को गैग्स कहते हैं, ग्लाइकोसामिन ग्लाइकन्स कहते हैं. ये फिर जब छोटे मॉलिक्यूल्स में जब ब्रेक डाउन किया जाता है इनका, तो ये फिर इवेंचुअली बोन कार्टिलेज और बाकी कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है. लेकिन अगर ये एंजाइम्स डैमेज हो जाएं या एब्सेंट हों किसी भी वजह से, जो कि मोस्टली जेनेटिक रीजंस होती हैं, उसकी वजह से ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये वहाँ पे जमा होने शुरू हो जाते हैं और इनका आगे जो फंक्शन है वो सही तरह से आप अचीव नहीं कर पाते, ठीक है. सो उसको म्यूकोपॉलीसैक्रिडोसिस कहते हैं, क्योंकि पॉलीसैक्राइड आपको पता होगा, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पॉलीसैक्राइड मोनोसैक्राइड मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो पॉलीसैक्राइड ज़रा बड़े वाले होते हैं, तो जब बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट्स नहीं टूटते तो वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो जमा होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से मुख्तलिफ मसले होते हैं, ठीक है. प्रोग्रेसिव सेलुलर डैमेज शुरू हो जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस डैमेज होना शुरू होगी, ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू होंगे, सिस्टम्स डेवलप होना शुरू होंगे, और इवेंचुअली इवन ब्रेन में जाके भी इम्पैक्ट करता है. जहाँ जहाँ ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे नहीं, वहाँ वहाँ वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, और जिस जिस सिस्टम में और जिस जिस ऑर्गन में डैमेज हो गए उस जमा होंगे उस सिस्टम और उस ऑर्गन को डैमेज करेंगे, और वहाँ वहाँ के जो है साइंस एंड सिम्टम्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. सो इन्होंने नॉर्मली कुछ एंजाइम्स ने इनको तोड़ना होता है और या फोल्ड करना होता है, एटलीस्ट छोटा करना होता है, ताकि स्पेस और जगह जो है वो सही तरीके से ऑक्यूपाई करें और मसला ना क्रिएट करें. सो अगर ये बोन्स में हो जाए तो फिर ये मसला बोन्स में नज़र आना शुरू हो जाता है, और इसको लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कहते हैं. अब मिसाल के तौर पर इसमें जो एंजाइम डैमेज हो सकता है वो अल्फा हाइड्रोनिडेज है, और इसकी वजह से ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स जो हैं वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं. लेकिन सिर्फ बोन्स में नहीं होगी, ये मल्टी सिस्टेमिक चीज़ होती है. अर्ली मॉर्टेलिटी, जल्दी डेथ हो जाती है, लेकिन इट्स वेरी रेयर. और अगर जो रेयर डिजीज हैं उनके बारे में मैं आपसे कम पूछा करूँगा, ये एक यू नो रूल ऑफ थम आप समझ लीजिएगा. जो कॉमन डिजीज हैं सबसे पहले आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा. रेयर डिजीज की अगर आपको डिटेल नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप पास हो सकते हो, लेकिन कॉमन डिजीज की नहीं आती तो फिर मसला है, ठीक है. तो इसमें ज़्यादातर हमने रेयर डिजीज की हैं. ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज मोर कॉमन, बट बाकी डिजीज हैं वो रेयर हैं. लेकिन पॉलीडेक्टिली सिंडेक्टली इज नॉट दैट रेयर. बाकी जो डिजीज हैं वो सारे इस वक्त इसके अंदर रेयर हैं, ठीक है. सो दिस इज द लेक्चर दैट आई वाज सपोज टू कवर इन द लास्ट लेक्चर. सो इसको अभी बंद करते हैं और अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं जो कि आज का मेन लेक्चर है.